आज हमने मंगाया है चेतीनाथ टिफिन से। कौन सा? चेतीनाथ टिफिन। चेतीनाथ टिफिन, हाँ चेतीनाथ टिफिन जो है हाँ। ये तमिल खाने के लिए बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। ओके, तो आज मतलब और प्योर वेज है, तो इसलिए आज सारे तमिल के वेज आइटम आप खाइए, जो खा के आपकी शायद तबीयत खुश हो जाएगी, तो उसका फ्लेवर का टेस्ट होगा जो उसका मजा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, खोलते हैं पैकिंग। देखते हैं क्या है। ओहो हो, इसको बोलते हैं दाल वड़ा, लेकिन तमिल में बोलते हैं परियप्पू वड़ा। परियप्पू वड़ा, परियप्पू वड़ा, परियप्पू वड़ा। ओके नेक्स्ट, इसको बोलते हैं इलुमी चाइस सादम, इसका मतलब है लेमन राइस। अब ये देखते हैं ये क्या है, पोलियो दराई सादम। पोलियो दराई सादम खाने में कुछ मतलब इमली वाले चावल। ये देखिए, बोलते हैं ना कि नमकीन के बाद थोड़ा मीठा हो जाए, तो उसी तरह से ये स्वीट डिश है। इसका नाम है सकराई पनियारम। इसमें भी ये जादू का पिटारा है, अब ये खुलने जा रहा है। ओहो ये सेवई है। ओ हाँ, ये सेवई है। हाँ इसको बोलते हैं मिक्स वेज सेवई। खुल जा सिम सिम। ओ हो सर, इडली तो दिख रही है, लेकिन कौन सी इडली है वो आपको बता रहा है। हाँ इसको बोलते हैं बटर पोड़ी इडली। बटर पोड़ी इडली, हाँ ये क्या है। मुझे राइस, वाइट राइस जो नॉर्मल नहीं, सेवई और सेव तो लग रही है सर। ये सेवैया ही हैं, इनको तमिल में बोलते हैं इडियाप्पम वेज। इडियाप्पम वेज, वेज मजा आएगा सर। ऐसा लग रहा है कि जैसे मलाई रखी हो सामने। अब ये जो है, इसको देखने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर कर्ड राइस है, ये है कर्ड राइस ही, इसको तमिल में बोलते हैं तैर सादम। तैर सादम, तैर 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 सादम। ओहो ये देखिए, ये सांभर है। ओके अब ये किस में यूज होगा पता है आपको? ये इडियाप्पम के लिए। ओके। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब होता है। अब ये देखते हैं क्या है। ये टोमेटो चटनी है। हाँ, लेकिन इसका तमिल में से नहीं बोलते टोमेटो चटनी, तकाली चटनी। तकाली चटनी तमिल में, तकाली चटनी। खुल जा सिम सिम। ये जो है ये आपके इडली के साथ का कॉम्बिनेशन है। तमिल में इसको क्या बोलते हैं? तो सर आप ही बता सकते हो, आपने ऑर्डर किया है। हाँ टेंगा चटनी। पंगा, टेंगा, टेंगा चटनी। हाँ ओके सर। ये मिक्स वेज है, ये इंडिया पम के साथ आया है। अब ये क्या है, ये देखिए शीतल जी, ये है तंगाई पाल, मतलब रसम। टंगाई पाल रसम। हाँ ये देखिए शीतल जी, ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी हाँ, जो ये खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योर सर। आप दाल वड़ा टेस्ट? मैं दाल वड़ा टेस्ट करता हूँ। शुरू कीजिए सर आप इडली। बिल्कुल, तो पहले तो ना बिना इसके इडली टेस्ट करते हैं। क्या बात है, बढ़िया। जो इडली हम नॉर्मल खाते हैं उस इडली से 1000 times बेस्ट है, बेस्ट, बहुत टेस्ट है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। अब इसको सांभर के साथ टेस्ट करते हैं। सुपर हिट, सुपर डुपर हिट। और चटनी के साथ? चटनी के साथ तो एक जो मतलब
किसके साथ तारीफ करूँ, सूखी इडली के साथ करूँ, ये सांभर के साथ करूँ, इसके साथ करूँ, एक से बढ़कर एक। तो संतोष जी, मैंने तो लिया है पर्पू वड़ा, तो वो टेस्ट करके देखता हूँ पहले ऐसे ही डायरेक्ट कि भाई क्या सीन है। कुछ खास टेस्ट नहीं है, मैंने खाया काफी, थोड़ा इसमें सांभर के साथ ट्राई, हाँ स्पाइसी होना चाहिए लेकिन कुछ खास टेस्ट नहीं है, सांभर के साथ देखते हैं। ये हुई ना बात, क्योंकि इसका संगम ही वही है, सांभर चटनी के साथ ही ये सांभर चटनी के साथ ही टेस्ट है। आप इसी को टेस्ट करिए चटनी के साथ एक बार, चटनी के साथ देखते हैं, इसमें एक अलग टेस्ट आएगा। अच्छा, इसमें देखो सर, जीराड़ू है, ओनियन भी है, दाल भी है, कड़ी पत्ता है, तो मुझे लग रहा है अच्छा है। आप जो है पर्पू वड़ा का मजा लीजिए और मैं इमली राइस का टेस्ट करके बताऊं। अब इसको टोमेटो चटनी के साथ पहले ट्राई करते। तो मैंने अपनी लाइफ में इतना टेस्टी चावल नहीं खाया, सिर्फ सुना था कि इमली राइस, लेकिन खा रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम। लेकिन इमली का टेस्ट है, इमली का टेस्ट है, सिंग दाने का टेस्ट है, चने का टेस्ट है, और मसाले तो मतलब लाजवाब है यार। आप ये लेमन राइस टेस्ट करो, आपके मुंह से भी वही निकलेगा जो मेरे मुंह से निकला है। ये मैंने लेमन राइस लिया ऐसे ही बिना चटनी का। मैंने जिंदगी में एक ही राइस खाया, जीरा राइस या सिंपल राइस। लेमन राइस अपने आप में जो लेमन का टेस्ट आ रहा है उसके अंदर, बहुत बहुत प्यारा डिश बनाया जो भी बनाया। अब यही राइस आप चटनी के साथ ट्राई करो। यस सर, इस चटनी के साथ देखते हैं। नहीं सर, अब मैं आप में ही ये एक अलग डिश है। अच्छा, सेपरेट खाने का, चटनी के साथ कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही आप खाओ तो मान लेंगे। नेक्स्ट इंडिया पर राइस मैं टेस्ट करके देखता हूँ। बिल्कुल टेस्ट करिए, जो जिसको बोलते हैं सवैया हमारी शुद्ध भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फ्रेशनेस कलर वाइज बहुत अच्छा है, तो मैं लेता हूँ डिश में। तो इसके साथ मैं ये दोनों के साथ ही ये खाया जाता है। अच्छा वैसा है। हाँ। उसके ऊपर डाल के खाते हैं, तो देखते हैं क्या टेस्ट आते हैं इसका भी। मुझे एकदम नॉर्मल लगा, ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं लगा। हाँ, वो इसलिए कि अभी आपने ये इसके साथ खाया है रसम के साथ। हाँ। अब आप इसको इसके साथ ट्राई, वेजिटेबल के साथ। वेजिटेबल के साथ वेजिटेरियन के साथ टेस्ट उसका अलग है। करेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी तरह का वेजिटेरियन है और बहुत अच्छा टेस्ट है, थोड़ा सा स्पाइसी भी लग रहा है, सो गुड फाइन। आप एक काम कीजिए ना संतोष जी, मिक्स वेज सेवैया ये मैं टेस्ट करता हूँ। देखो जरा ये, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, एक बार टेस्ट करके देखो ये क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको। इसको सीतलियों में शिमला मिर्च के साथ टेस्ट करता हूँ। श्योर श्योर, वाह माइंड ब्लोइंग। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, शिमला मिर्च का ये अपना एक अलग टेस्ट आ रहा है, ये जो गाजर है गाजर का अपना अलग टेस्ट आ रहा है, सिमइयों का अलग टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने क्या खाया। तो अभी हमारा लास्ट डिश बचा है कर्ड राइस। ये कर्ड राइस आपके लिए है। हाँ। लेकिन तमिल में इसको बोलते हैं तैर चादर। ओके,
कर्ड राइस खा के देखता हूँ सर बिल्कुल कैसा लग रहा है क्या है। यम्मी माइंड ब्लोइंग सुपर टेस्ट ठंडक। मेन कोर्स तो सब हम लोगों ने ख़त्म कर लिया सब टेस्ट कर लिया बिल्कुल। अब हम स्वीट पे आते हैं। स्वीट में आपने मंगाया है पन्नियारम तो एक एक पीस लेते हैं सर बिल्कुल एक एक पीस। और मुझे है ना थोड़ा बहुत इसका सेफ लग रहा है अपम। हम लोग अपम घर पे बनाते वो ऐसे ही होता है। हाँ पन्नियारम देखते हैं कैसा लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है ब्रेड से बना हुआ लग रहा है कुछ पन्नियारम ब्रेड जैसा चीज तो लग रहा है सॉफ्टनेस तो है देखते हैं। सर ये तो वो केक है सॉफ्ट जो अपन खाते हैं ना ब्रेड के सॉफ्ट केक स्वीट के ऊपर गुड। इसमें आपने एक चीज नोटिस की आपने बताया ये केक है आप वापस से एक बाइट लीजिए केक के साथ साथ आपको और भी कुछ टेस्ट में मिलेगा। कोई फ्लेवर है मेरे ख्याल से वेनिला या तो नहीं हनी 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 का टेस्ट हनी गुड हनी और गुड़ हनी और गुड़ यस बहुत अच्छा सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है गुड सेहत के लिए अच्छा है स्वाद के लिए अच्छा है हर चीज के लिए अच्छा है अच्छा है। मेरे ख्याल से संतोष जी हम लोगों ने सारा कुछ खा लिया सब कुछ। कुछ नहीं खाया अभी आपने अभी मेन चीज तो आपने छुई नहीं। मेन चीज दिखनी नहीं क्या कुंभकोणम डिग्री कॉफी। कौन सा कॉफी कुंभकोणम डिग्री कॉफी। चलो सर पिलाओ क्या चीज है बताओ ये भी कप देना जरा। चलो अरे बाप रे सर क्या टेस्ट है। अपने करण को बोले ऐसी कुछ कॉफी बना दे सर अपने ऑफिस में। क्या चीज है सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूध का टेस्ट हर चीज का टेस्ट अलग है इलायची का टेस्ट यस हर चीज का अलग अलग टेस्ट। कैसा रहा आज का ये तमिल प्रोग्राम। खाने का मैं 5 रेटिंग देना चाहूंगा 5 स्टार कंफर्म। पैकेजिंग अपने आप में बहुत अच्छा है डब्बे बहुत अच्छे यूज किए। मैं पैकेजिंग को भी 5 स्टार देना चाहूँगा। चारों तरफ सेलो टेप लगाया था सब कुछ लगाया था। डिलीवरी टाइम पे हुआ है हमने ऑर्डर किया 20 मिनट में आ गया तो डिलीवरी को भी मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। अब टेस्ट माइंड ब्लोइंग सुपर्ब तो इसको भी मैं 5 रेट देना चाहूँगा। तो सभी तरह में 100 में से 100 ओके। देखते हैं कल का कोई एक नई यूनिक डिश मंगाएंगे नए रेस्टोरेंट से और कल क्या आता है वो कल के एपिसोड में पता चलेगा बिल्कुल बराबर। तो मिलते हैं कल तक ये है आज तक का हम लोग खाना कैरी ऑन करते हैं आगे करते हैं तो मिलते हैं।